नमस्कार दोस्तों, मैं मधुर गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सर्च एंजन पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की 10 ऐसी डरावनी जगहों से रूबरू कराने वाले हैं जहां जाने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ लाइक बटन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहें। दोस्तों हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी मशहूर तो होती ही हैं लेकिन डरावनी भी होती हैं। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी का थोड़ा डर जाना लाजमी है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ लोग दिन के समय तो चले जाते हैं लेकिन शाम होने के बाद नहीं जाते। इन स्थानों पर ऐसे कई बोर्ड लगे देखे जा सकते हैं जिन पर चेतावनी लिखी होती है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ ना ठहरें। इसलिए लोग दिन के उजाले में ही यहाँ आते हैं। लेकिन ये जगहें इतनी डरावनी क्यों हैं इसका पता ठीक से नहीं चल पाया है। हालांकि हर डरावनी जगह के पीछे एक कहानी जरूर छिपी है। इन डरावनी जगहों को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की धारणाएं उत्पन्न होती हैं। अगर पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये जगहें डरावनी इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर आत्माओं का बसेरा रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों का आकस्मिक निधन हो जाता है उनकी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी वहीं पर रह जाती है। हालांकि यह एक जांच का विषय है। तो चलिए ऐसे ही 10 जगहों के बारे में जान लेते हैं जो भारत में ही मौजूद हैं। नंबर 1, ब्रजराज भवन होटल कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रजराज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। ये होटल करीब 178 साल पुराना है। इसे 1980 के दशक में हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस जगह को भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मेजर बर्टन का भूत रहता है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है कि मेजर बर्टन ब्रिटिश शासनकाल के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जवाब ये है कि मेजर को इसी होटल के सेंट्रल हॉल में मारा गया था। जगह नंबर 2, भानगढ़ का किला राजस्थान। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का वातावरण ही ऐसा है जिससे किसी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि यहाँ आकर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी भानगढ़ घूमने आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। इस किले के बाहर साफ लिखा है कि यहाँ शाम होने के बाद न ठहरे। इसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ एक रानी रहा करती थी जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की। वो रानी को हासिल करना चाहता था लेकिन रानी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। बाद में मरते समय तांत्रिक ने इस स्थान को श्राप दे दिया। जगह नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी को भी भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। ये फिल्म सिटी उसी भूमि पर बनी हुई है जहाँ जवान निजामों के समय युद्ध हुआ करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थान बेहद लंबे समय से ही डरावना रहा है। जगह नंबर 4, दिल्ली कैंट नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में भी भूतों की कहानी काफ़ी प्रचलित है। दिल्ली देश के अन्य शहरों से भी रोड रेल के माध्यम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका बहुत डरावना है। लोगों का मानना यह है कि यहाँ एक महिला का भूत रहता है जो कई बार सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाई दे चुकी है। ऐसी कहानियाँ हैं कि
महिला का भूत रास्ते में जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। जगह नंबर 5, शनिवारवाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवारवाड़ा किले को पेशवा वंश के शासकों ने बनवाया था। इस किले की दीवारों में भी बहुत सी कहानियाँ छिपी हुई हैं। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती हैं। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की उसके करीबी रिश्तेदारों के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसके चीखने की आवाज़ें आज भी यहाँ सुनाई देती हैं। इसी कारण से लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। जगह नंबर 6, कुलधरा गांव, राजस्थान। कुलधरा को राजस्थान में भूतों का गांव भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमय जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद से हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले उन लोगों की स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। इन लोगों के साथ 84 अन्य गाँव के लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया था। इस गाँव के डरावने होने के पीछे की एक कहानी यह है कि यहाँ एक सालम सिंह नाम का दीवान रहा करता था। उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि गाँव के पालीवाल समुदाय का यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस दीवान की नज़र समुदाय की लड़कियों में से एक लड़की पर थी। वह इस लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन समुदाय के लोगों ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं माने तो उन्हें घातक परिणाम भुगतने होंगे, जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 गांव के अन्य लोगों के साथ पालीवाल समुदाय ने कुलधरा को छोड़ने का फैसला लिया। अपने घर छोड़ते समय ये लोग काफ़ी दुखी थे। जाते उन्होंने ये शाप दिया कि इस गांव में कभी भी कोई नहीं रह पाएगा, आज तक यहाँ कोई नहीं रहता है। जगह नंबर 8, कोलकाता राइडर्स बिल्डिंग। इस पुरानी बिल्डिंग में प्रशासनिक कर्मचारी काम करते हैं लेकिन कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं ठहरता। इस बिल्डिंग के कई कमरे खाली पड़े हैं और उन्हें दशकों से खोला नहीं गया है। इस जगह को लेकर ये कहानी प्रचलित है कि यहाँ के खाली पड़े कमरों में अब भूतों का बसेरा बन चुका है और शाम होने के बाद से ही यहाँ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जांच में इनमें से किसी भी घटना के विशेष कारण का पता नहीं चल पाया है, जिससे यह स्थान काफ़ी डरावना माना जाता है। जगह नंबर 9, बारोक टनल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बारोक टनल भी भूत स्थान माना जाता है। यह शिमला कालका मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके डरावना होने के पीछे की कहानी यह है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। टनल नंबर 33 को ही बारोक टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी की शुरुआत साल 1903 से होती है, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय के सुनसान क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बारोक को नियुक्त किया। कर्नल बारोक अपने काम में काफ़ी निपुण थे लेकिन उनके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बारोक डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा इसके लिए उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में एक अन्य इंजीनियर ने टनल को पूरा करने का काम किया लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बारोक ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इस रेलवे स्टेशन को बारोक रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कर्नल बारोक की आत्मा ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जगह नंबर 10, खैरताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित खैरताबाद साइंस कॉलेज कभी चहल पहल वाला स्थान हुआ करता था लेकिन आज के समय में कई वजहों से इसे डरावना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस कॉलेज को बंद किया गया तब यहाँ की बायोलॉजी लैब में कुछ शव रखे हुए थे जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद से शहर के लोग इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कंकालों को चलते देखा गया है।
इस स्थान से अजीब गरीब आवाजें आती हैं। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक गार्ड को नियुक्त किया गया था, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही रोचक कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।